हेलो सो एस के इलेक्ट्रॉनिक शॉप का आपको स्वागत है सो कैसे हो आप आ सकते हैं बहुत अच्छे होंगे अच्छे लोग दोस्तों हम दो टॉप बनाने वाले हैं जो कि काफ़ी प्रोफेशनल बढ़िया अच्छी क्वालिटी के होने वाले हैं कस्टमर ने ये मेरे पास बॉक्स लेकर आया और स्पीकर ले कर मुझे सामान दे के गया है और मुझे बनाने के लिए सबसे पहले ये जो कनेक्टर होते हैं स्पीकर के लिए स्पीक ऑन फीमेल कनेक्टर भी बोल देते हैं इसे स्पीकर कनेक्टर भी बोल देते हैं और इसे बहुत से जो है ना ए वी एस ऑगेट भी बोल देते हैं काफ़ी सारे नाम हैं लेकिन इसको स्पीक ऑन फीमेल कनेक्टर बोलते हैं तो दोस्तों ये डिज़ाइन करना है हमें बहुत अच्छे से मैं आपको बताऊंगा क्या सावधान रखनी चाहिए और किस तरह से कनेक्शन करने चाहिए इसके जो कि आवाज़ में क्लियरिटी और अच्छी क्वालिटी आए साउंड में सब कुछ तो सबसे पहले दोस्तों ये जो सॉकेट होते हैं इसमें हमारा कुछ कोड होते हैं इस पर कोड होता है माइनस वन प्लस वन यहाँ पर फिर दूसरा कोड होता है इसमें आमने सामने दोस्तों माइनस टू प्लस टू तो इस तरह से इसमें कुछ कोड होते हैं तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ जो वन पे है आपका माइनस प्लस वो तो पहले चैनल के लिए जो दूसरे पे है प्लस माइनस वो दूसरे चैनल के लिए है सपोज कीजिए आपने पहले चैनल से ऑडियो दी तो पहले चैनल पर ऑडियो आउटपुट होएगी इससे और आपने टू पे दी तो टू पे ही तो इसमें हमें करना क्या होगा बाहर से चाहे पहले पे दो चाहे दूसरे पे दो लेकिन हमारा स्पीकर चलना चाहिए क्या मतलब ये है तो दोस्तों इसका कनेक्शन कैसे करने होते हैं आप समझ लीजिए बहुत इजी है इसके अगर कोई समझ लेगा तो फिर दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि बड़े बड़े प्रोफेशनल जो सेट होते हैं और आपके एम्पलीफायर होते हैं और जो काफ़ी जे की कंपनी की काफ़ी अच्छी अच्छी जो डीजे कॉलम कोलम होते हैं उसमें ऐसी तरह से करने जाते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ जो प्लस वन और प्लस टू है उसको दोनों को एक जगह मिला के उस पर एक तार लगा दीजिए रेड कलर या कोई भी या ग्रीन येलो जो भी आपके जो पता लग रहते ये है यानी कि प्लस वन माइनस वन ये अलग है पर लेकिन जो प्लस वन है और प्लस टू है इन दोनों को एक जगह मिला दिया हमने माइनस वन और माइनस टू इन दोनों को एक जगह मिला दिया ठीक है जी अगर पहले चैनल से ऑडियो मिलेगी तो जब भी स्पीकर पर दोनों पर वही जाएगी अगर दो पे मिलेगी तो दो पे तो जैसे यहाँ देख सकते हो बिल्कुल ऐसे ही किया हमने माइनस वन माइनस टू एक जगह प्लस वन प्लस टू एक जगह इस तरह से कर दिए तो इस तरह से हमारे दो तार निकल गए हैं दोनों सॉकेट में से इस एक कोई से भी सॉकेट में भी आप ऑन लगाओगे उसी में ही आपका स्पीकर चल जाएगा तो प्रोफेशनल इसका ये एकदम जैन तरीका है तो ये बिल्कुल इसी तरह से होना है कनेक्शन ठीक है जी अगर पहले चैनल पे से ऑडियो मिलेगी तो पहले से ही जाएगी दूसरे पे मिलेगी तो दूसरे से भी जाएगी तो हमें ये जो है इसमें जो इसकी प्लेट को पूरी को कस लेना होगा इसमें सभी पेच लगा लें इसके अंदर जो फॉर्म होती है बेस के लिए लगाई जाती है जो बेस पर काफ़ी इफेक्ट पड़ता है काफ़ी अच्छी बेस आती है इसके हम यहाँ पे सभी पेच लगा लें एक चीज़ याद रहे जब भी इसके सभी कोई भी पेच लगा रहे हो बहुत ही टाइट कसने क्योंकि बेस की वजह से वो खुल भी सकते हैं उसमें आवाज़ भी हो सकती है ऐसा कुछ नहीं करना तो बिल्कुल टाइट कसने आपको बिल्कुल बेहतरीन तरीके से ठीक है जी अब येल्लो वाला हमने प्लस ले लिया और ब्लैक वाला हमने माइनस ले लिया स्पीकर का माइनस तो अब दोस्तों देखिए यहाँ कैबिनेट में जो होल होल पास होते हैं इसमें हमारे पेपर जो हमारा कंबल चढ़ा हुआ होता है या पेंट वाली हो तो अलग बात है लेकिन जो कंबल वाते हैं ज़्यादातर है अभी तक तो कंबल में है पर लेकिन ट्रे क्रेज जो चल रहा है अभी पेंट वाली का चल रहा है तो जो कंबल वो तो अपने कस्टमर के हिसाब है तो दोस्तों इसके जो बाहर के होल पास के ना कटिंग कर देनी है आपको याद करके खास करके क्योंकि अगर ये कटिंग नहीं करे तो फर 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 इस तरह से करेगा बेस के साथ तो दोस्तों हमें ये एक स्पीकर पुराना दिया है कस्टमर ने एक नया दिया है मतलब दो स्पीकर पुराने तो नहीं है दो तो हमें बनाना है तो इसमें प्लस माइनस का हिसाब होता है तो हमें mm. देख लेना होगा अगर प्लस की तरफ प्लस है देखिए हमने दो तार लगाए बैटरी के अगर स्पीकर ऊपर को भाग रहा है तो जो जिधर प्लस है वो प्लस ही है और देखिए अगर नीचे को जा रहा है इस तरह से तो ये गलत है तो जिधर हमारा ऊपर को आ रहा था स्पीकर वो तो जिधर प्लस है तो वो प्लस ही है तो ये चीज़ का बहुत ख़ास ध्यान है न, अगर आपका ये गलत हो जाता है तो आपके स्पीकर में साउंड क्वालिटी नहीं आएगी ना खड़ी बेस आएगी ना मतलब बेस में मज़ा नहीं आएगा तो जो प्लस है ये हमें कनेक्शन इसके दोस्तों पैलल में करने होंगे अगर दो स्पीकर लगाते हैं दोनों के प्लस एक जगह और दोनों के माइनस एक जगह तो हमने येलो वाले को प्लस मान लिया था तो येलो वाले पे हमने यहाँ पे सोल्डिंग कर देनी है अच्छे से अगर कनेक्टर तो कनेक्टर लगा दीजिए पर सोल्डिंग बेटर है लीकेज कभी भी नहीं रहेगा तो प्लस पे प्लस लगा दिया हमने माइनस पर माइनस ऐसे ही वहाँ पर ले जाके थोड़ा सा वायर एक्स्ट्रा निकाल करके और एक चीज़ का आदर रहे कभी भी इसमें मशीन का यूज़ ना करें आप पेच कसते समय याद रहना है और कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो पर लेकिन स्पीकर के जो पेच हैं अगर आप मशीन से खसे हो तो आपसे बड़ा कोई गलत काम नहीं कर रहा उसमें मतलब उसमें गलत काम हो रहा है दोस्तों मत कहना मतलब ये है अगर आपकी हल्की सी मशीन फिसल गई ना और फिसलती है गारंटीड फिसलती है हल्की सी भी तो दोस्तों तुरंत छेद हो जाएगा स्पीकर में पत्ता खराब हो जाएगा तो दोस्तों आप मशीन का यूज़ नहीं करना पेचकस का यूज़ करना है जो स्क्रू ड्राइवर होता है उससे तो दूसरा स्पीकर भी जैसे इसमें सेम हमने प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस लगा लिए चेक करके दोस्तों अब इस तो लगाएंगे इसमें एच वगैरह हाईस अपनी उसका कनेक्शन बताएंगे बहुत इजी है तो दोनों स्पीकर हमने पैरल में लगा दिए हैं माइनस माइनस एक जगह प्लस प्लस एक जगह अगर आपका यहाँ पे कोई से भी स्पीकर का तार उल्टा लगता है तो आपकी कॉलम में क्वालिटी नहीं आएगी साउंड में ये चीज़ खोस खास ध्यान रखनी पड़ेगी बिल्कुल जान जान के क्योंकि ये चीज़ ही स्पीकर में क्वालिटी मतलब बेस में क्वालिटी का मैटर रखता है तो दोस्तों ये दो स्पीकर तो हमने पैल में लगा दी अभी ये एच एफ हाइस जो है हमारे पास चार की है चार सौ पचास की हा इसलिए हमने और ये नेटवर्क हमारे खुद के असेंबल किए हुए हैं सात सौ पचास चार सौ पचास दोनों पे लग जाते हैं सूटेबल है तो इन को हम इसमें लगाएंगे तो ये जो तार छोड़े हैं हम इसके एच एफ़ की इनपुट में लगाएंगे कॉमन पे नेगेटिव और इनपुट में अपना पॉजिटिव ठीक है जी येल्लो हमारा पॉजिटिव था तो जल्दी से हम इसे लगा लेते हैं और जो नेटवर्क की आउटपुट है ये हम अपनी एच एफ़ हाई इसको दे दें क्योंकि हाई पे कभी भी दोस्तों डायरेक्ट नहीं चलाया जाता क्योंकि उसमें कोयल थिंक होती है काफ़ी बारीक होती है और जो ये हमारी जो भी हमारा होता है नेटवर्क इसमें क्या होता है हमारे रेजिस्टेंस द्वारा और कोयल द्वारा होके आता है इससे हमारी जो होती है ना आवाज़ वो मिड खत्म हो जाती है बेस भी खत्म होती है तो शिफ्ट ट्रेवल यानी कि आवाज़ आवाज़ आती है अच्छा जो आती है तो वो जो सो इसका काम करते हैं नेटवर्क इसमें इसी काम करता है तो हर एक हाई पे एक नेटवर्क लगाना जरूरी होता है काफ़ी अच्छी आउटपुट मिलती है फिर आपको सफ़ाई मिलती है साउंड में ये जरूरी होता है तो दोस्तों इसको अंदर कस लेंगे हम और अभी आपको दिखाएंगे साइड में या किधर भी इसे कस लेंगे अंदर की तरफ और इसकी जो आउटपुट है वो हाई देंगे तो दोस्तों हमने अंदर की तरफ ये कस लिया है नीचे की तरफ हमने नहीं कसा जिससे कि दिक्कत ना हो तो दोस्तों हमने अच्छे से यहाँ पे देखिए कस लिया है? जो इसके दोनों ये आउटपुट अब निकले हैं ये सीधे हाई स्पीड प्लस पे प्लस माइनस पे माइनस ये चीज़ खास ध्यान रखना प्लस पे प्लस ही लगाना है माइनस पे माइनस साउंड में क्वालिटी प्लस आपका मज़ा एकदम बिल्कुल बेहतरीन आने वाला है इससे यही खास बात है इसमें यही चीज़ का बहुत खास तौर पर ध्यान रखना है और एक चीज़ का खास तौर पर ध्यान रखना है जब आप स्पीकर वगैरह लगाए तो बिल्कुल बिच बिच सेंटर में लगाना है अभी हाई से है, हमें हमेशा बहुत तो अच्छे से कस देना है तो तग्गा लगा के भी कस सकते हो पर दोस्तों कुछ इस तरह से कसना है आम बाद में भी से खोलना पड़ सकता है कभी कभार कैसे होता है ये ख़राब हो जाती हैं दोस्तों प्लस पे प्लस मैं समय से हमने ये देखी कनेक्टर पर तार लगा लिए हाइस के और हाइस के ऊपर से तरफ से पेच कस लेने होंगे चारों के चारों छः के छः जितने भी हैं जो छज्जे में इसके लगे हुए हैं ठीक है जी हम कस लेते हैं फिर दिखाते हैं तो हमने कम्प्लीटली दोस्तों हाईस के भी और स्पीकर के भी तार अच्छे से कस लिए हैं हमने आपको बता दिया कनेक्शन कैसे हैं दोनों टॉप हमारे बिल्कुल रेडी हैं दोनों हमने सेम प्रोसेस है बनाने का पहले का बता दिया दूसरा हमारे पास है दूसरा लड़का बना रहा था तो दोस्तों हमारा बिल्कुल कंप्लीट रेडी है और ये हैं दोस्तों मेल सॉकेट हमारे स्पीकोन के और ये फीमेल सॉकेट है जो अंदर की तरफ है और हम इन्हें इसमें लगा लेते हैं और ज़रा अभी आपको साउंड वगैरह दिखाते हैं हमारे पास एम्पलीफायर जो है 200 वाट का है मात्र और ये जो ढाई ढाई सौ वाट के स्पीकर। पर कोई नहीं टेस्टिंग के लिए आपको हम बिल्कुल दिखा सकते हैं तो टेस्टिंग के लिए दिखाएं तो दोस्तों देखिए काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है देख लीजिए स्पीकर का पर्दा अच्छे से चल रहा है आपको कैमरे में कम दिखाई दे रहा होगा थोड़ा सही तरीके से नहीं दिखाई दे रहा होगा तो देखिए जंप कर रहा है स्पीकर बढ़िया तो देखिए क्वालिटी भी साउंड में आ रही है देखिए बेस थोड़ी सी हल्की करते हैं थोड़ी सी बढ़ाता हूँ मैं अभी आपको दिखाता दूँ देखिए काफ़ी अच्छे से परफॉर्मेंस देखिए देखिए काफ़ी अच्छे चल रहा है तो दोस्तों एकदम बिल्कुल डन है हमारी बिल्कुल हमने कंप्लीट कर दी है इसकी अब हमें जाली वाली लगा के आपको दिखाएंगे फोटोज तो आई होप आपको वीडियो से तुरंत तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना दोस्तों शेयर करना आज के लिए इतना ही कुछ भी प्रॉब्लम तो कमेंट में जरूर बता देना आज के इतना ही जय हिंद वंदे मातम दोस्तों आपका दिन शुभ हो जय हिंद वंदे मातम